आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 30 मिनट में 1,00,000 स्कॉर्पियो बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। वैसे आपको कौन सी कार पसंद है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 24, आप सभी ने भारतीय रुपए के चिन्ह का डिजाइन जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये डिजाइन किसने बनाया है? यह डिजाइन उदय कुमार धर्मलिंगम ने बनाया है। वह IIT गुवाहाटी में डिजाइन विभाग के हेड थे। फैक्ट नंबर 23, क्या आपने कभी सोचा है राम के साथ चंद्र क्यों लगाते हैं? जब राम जी अयोध्या में प्रकट हुए थे तो सूर्य भगवान 1 महीने तक वहाँ से हटे नहीं, अपना रास्ता ही भूल गए। इससे चंद्रमा बहुत दुखी हो गए कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला रामचंद्र जी के दर्शन करने का। यह देखते हुए राम जी ने चंद्रमा से कहा, दुखी मत हो, आज से जब भी मेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम के साथ आपका भी नाम लिया जाएगा, इसीलिए आज रामचंद्र बोला जाता है। फैक्ट नंबर 22, आप सभी टी शर्ट पहनते होंगे। टी शर्ट के साइज लार्ज, स्मॉल, डबल एक्सल, एक्सल ऐसे होते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट को भारत में ही बनाया गया था। इस टी शर्ट की खास बात यह है कि इसे 2,00,000 प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया था। आप यहाँ इमेज पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 21, दुनिया की सबसे लंबी कार ओरबर्ग ने बनाई थी। यह कार 100 फीट लंबी है और इसमें 26 पहिए, एक स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए एक पेड़ भी है। फैक्ट नंबर 20, ये जो आप इमेज देख रहे हो आप देख के शॉक हो गए होगे कि ये कैसे हुआ या किसी ने यह जानबूझकर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन कुर्सियों को पोलैंड में 1939 में एक शादी के लिए बिछाया गया था। जर्मन के आक्रमण के कारण वहां के लोग कुर्सियों को छोड़कर चले गए। युद्ध के बाद कुर्सियों के बीच में पेड़ उगते हुए दिखाई दिए। इसके बाद हर साल इनको रंग कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 19, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है और दुनिया के सबसे लंबे रेल मार्ग में भी जगह बना चुका है। 4,000 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग भारत के 9 राज्यों में फैला हुआ है। विवेक एक्सप्रेस इस रेलवे मार्ग पर दौड़ती है और पूरे रूट को कवर करती है। इस ट्रेन को 2013 से शुरू किया गया था। यह ट्रेन लगभग 55 स्टॉप पर रुकती है और अपना सफर पूरा करती है, लेकिन बहुत से लोगों को भारतीय रेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग रशिया में है। दुनिया के सबसे बड़े रेल मार्ग वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट को तय करने में लगभग 6 दिन लगते हैं। इस मार्ग की लंबाई 9,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मास्को से शुरू होकर ट्रेन व्लादिवोस्तोक तक जाती है। अगर इस मार्ग की तुलना भारत से सबसे लंबे रेल मार्ग से की जाए तो आपको पता चलेगा कि यह मार्ग तो बिल्कुल डबल लंबाई तय करती है। फैक्ट नंबर 18, दुनिया में सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति केरल में स्थित है, जटायु मूर्ति। फैक्ट नंबर 17, कर्नाटका में एक ऐसी जगह है जहां पर नदी के किनारे हजारों शिवलिंग नजर आते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह जगह किसी रहस्यमय से कम नहीं है, क्योंकि यहां एक साथ कई शिवलिंग के दर्शन होते हैं। फैक्ट नंबर 16, साउथ कोरिया में हर साल नवंबर में कुछ दिनों के लिए काम रोक दिए जाते हैं, जैसे कि हवाई जहाज, फैक्ट्री, बैंक, सेना का युद्ध अभ्यास, क्योंकि इन दिनों वहां सभी विद्यार्थियों की परीक्षा होती है। विद्यार्थियों को ध्यान लगाने में परेशानी ना हो, क्या हमारे देश में भी ऐसा करना चाहिए? फैक्ट नंबर 15, ताइवान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आने वाले कस्टमर को खाना टॉयलेट के आकार के बने एक स्टैंड पर दिया जाता है। आप खुद ये एक फोटो देख सकते हो। फैक्ट नंबर 14, आप सभी चाय तो जरूर पीते होंगे, पर कभी आपने सोचा है कि अगर मुझे दुनिया की सबसे महंगी चाय पीनी हो तो वो कौन सी रहेगी? मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती का नाम द होम पॉट टी है। इसके 1 किलोग्राम चाय पत्ती की कीमत 8.28 करोड़ रुपए है, जिसका उत्पादन केवल चीन में होता है। क्या आप भी यह चाय पीना पसंद करोगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अगला फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 13, बॉलीवुड की अभिनेत्री आलिया भट्ट के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। क्या आपको ये बात पता है? शायद ही पता होगा कि आलिया भट्ट ब्रिटिश की नागरिकता रखती है। फैक्ट नंबर 12, पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज जिसे बनाया तो अंग्रेजों ने था, लेकिन इस ब्रिज से भारतीयों का रिश्ता रहा है। इस ब्रिज को बनाने में भारत की टाटा कंपनी का भी सहयोग था। ब्रिज ऐसे समय में
तैयार हुआ था कि उसका आज का औपचारिकता उद्घाटन भी नहीं हुआ। साल 1936 में इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ था, जबकि 3 फरवरी 1943 को यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया। वर्ल्ड वॉर के दौरान इस ब्रिज पर जापान ने हमला भी कर दिया। दो पाए पर टिका यह ब्रिज कई मायनों में खास है। इस ब्रिज को इतने खास तरीके से बनाया गया है कि यह पूरा ब्रिज सिर्फ दो पायों पर टिका हुआ है। करीब आधा किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई 280 फीट है। जब इस ब्रिज को बनाया गया था तब यह वर्ल्ड का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। इस पुल की एक खास बात यह है कि इसे बनाने में कहीं भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे बनाने में धातु की किलो यानी स्वीटेंस का उपयोग किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इस ब्रिज पर हमला किया था। दरअसल जापानी सेना ब्रिज को तोड़कर आवाजाही को रोकना चाहती थी। जापान की सेना ने इस पर जोरदार बमबारी की। ब्रिज इतना मजबूत था कि पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था। फैक्ट नंबर 11, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में 121 युद्ध जीत लिए थे। फैक्ट नंबर 10, आप सभी के घर पे कैट तो जरूर होगी और हमारे आसपास भी कैट घूमती रहती है, लेकिन चाइना में लगभग 40 लाख बिल्लियां हर साल खाई जाती है। फैक्ट नंबर 9, बॉलीवुड की इस अभिनेत्री को आपने ये जवानी है दीवानी जैसी मूवी और भी कई सारी मूवी में देखा होगा। इस अभिनेत्री के दादा मॉरिस कोचलिन एल्फिड टावर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चीफ इंजीनियर थे। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे शांत कमरा अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय में स्थित है। इस कमरे में कोई भी 45 मिनट से अधिक नहीं रह सकता। आप अपने रक्त प्रवाह की आवाज भी यहां पर सुन सकते हो। फैक्ट नंबर 7, ऐसे लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 7000 जानवरों को खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया की 60% झील अकेले कनाडा में स्थित है। फैक्ट नंबर 5, हमारे देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। आपने भी कभी ना कभी ट्रेन में सफर जरूर किया होगा, लेकिन सफर के दौरान आपने देखा ही होगा कि रेलवे ट्रैक के नीचे और उसके अगल बगल छोटे छोटे नोकीले पत्थर बिछे होते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि रेलवे ट्रैक पर यह पत्थर क्यों बिछे होते हैं? इस पत्थर का रेलवे ट्रैक पर आखिर क्या काम है? अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है, हालांकि इसकी जानकारी बहुत कम ही लोगों को है। अगर आप इन पत्थरों के पीछे के विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो इनके लिए आपको सबसे पहले पटरी की बनावट को समझना होगा। पटरी को तैयार करते वक्त इनके नीचे लंबी लंबी प्लेट बिछाई जाती है, जिसे आमतौर पर स्लीपर कहते हैं। इनके नीचे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिसे ब्लास्टर या फिर आम भाषा में गिट्टी कहा जाता है। ब्लास्टर के नीचे मिट्टी की दो लेयर होती है। यही कारण है कि रेलवे ट्रैक पर जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर देखने को मिलता है, और जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो यही पत्थर स्लीपर और ब्लास्ट ट्रेन के वजन को संभाल के रखती है। अब यह समझते हैं कि पटरी पर दिखने वाले छोटे छोटे पत्थरों का असल में क्या काम होता है। विज्ञान कहता है कि जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो इसके कारण एक तरह की कंपन पैदा होती है। कंपन के कारण पटरी को फैलने से रोकने का काम यही नुकीले पत्थर करते हैं। बता दें कि अगर यह पत्थर गोल हो तो यह कंपन नहीं रोक पाएंगे और ऐसे में पटरी फैल जाएगी, इसीलिए ट्रैक पर नुकीले पत्थर बिछाए जाते हैं। इसके अलावा भी इन पत्थरों की एक खूबी है, पटरियों पर पड़े इन पत्थरों के कारण ट्रैक पर कोई पौधे नहीं उग पाते, जिस कारण ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर को चीज का प्रॉब्लम नहीं होता और वह आसानी से ट्रेन को चलाता रहता है। फैक्ट नंबर 4, आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान चीन में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। फैक्ट नंबर 3, अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करता है तो उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, पनामा संसार में एकमात्र जहां पर सूर्य को पैसिफिक ओशियन से उगते हुए और अंटार्कटिका ओशियन में अस्त होते हुए देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम भगवान के नाम पर नहीं है, और अन्य सभी 7 ग्रहों का नाम रोमन देवी और देवताओं के नाम पर है। मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपको काफी पसंद आते होंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।